तो अगर आप चैट जीपीटी के थ्रू ब्लॉग लिखते हो या लिखने की सोच रहे हो, तो आप सोच रहे होंगे कि आप जाओगे चैट जीपीटी पे और एक ब्लॉग का आप टॉपिक दोगे और चैट जीपीटी आपको पर्टिकुलर ब्लॉग लिख के देगा। और यहाँ पे काफी एक्सटेंशन वगैरह आते हैं जो ब्लॉग जिनके थ्रू आप लिख सकते हो, और आप उस ब्लॉग को अपनी वेबसाइट पे पोस्ट कर दोगे और यहाँ से लाखों का आराम से कमा लोगे। और काफी सारे यूट्यूबर हैं जो यही सेम चीज बताते हैं, क्योंकि इस वीडियो पे बहुत ज्यादा व्यूज आते हैं तो इस टाइप की यूट्यूबर वीडियो बनाते हैं। आपको लगता है कि ब्लॉगिंग कितना ईजी है, आपको कुछ नहीं करना, वर्डप्रेस पे एक वेबसाइट बनाना है या ब्लॉगर वगैरह कुछ यूज करना है और आपको चैट जीपीटी पे जाना है और यहाँ पे आपको अपना टॉपिक देना है, चैट जीपीटी आपको जो है ब्लॉग लिख के दे देगा, आप उस ब्लॉग को पोस्ट करके लाखों रुपए आराम से अर्न कर लोगे। तो अगर बात करें ब्लॉगिंग की, ब्लॉगिंग एक काफी सही चीज है पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए, और यहाँ लाखों से ज्यादा भी आप कमा सकते हो। लेकिन अगर बात करें क्या आप चैट जीपीटी 3 के थ्रू ये कर सकते हो सारी चीजें, तो ये ऐसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबसे पहले समझो आप जो भी ब्लॉग लिखोगे उसका एसईओ फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है। जब तक आपका ब्लॉग एसईओ फ्रेंडली नहीं होगा तब तक वो गूगल पे रैंक नहीं करेगा, क्योंकि गूगल सबसे पहले अगर बात करें एसईओ की तो काफी चीजें देखता है, जिसमें मेन दो चीजों की बात करें, पहला होता है कीवर्ड और दूसरा होता है डुप्लीकेसी, कि आपका कंटेंट कितना डुप्लीकेट है दूसरों के कंटेंट के थ्रू। मान लो आपने कोई सेम ब्लॉग लिखा है और किसी दूसरे बंदे ने भी सेम ब्लॉग लिखा है, और आपका अगर ब्लॉग उसका पहले से रन कर रहा है और आपका ब्लॉग उसके सेम डुप्लीकेशन का है, तो आपका ब्लॉग जो है बिल्कुल भी रन नहीं करने वाला है, बिल्कुल एसईओ फ्रेंडली नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ डुप्लीकेशन को बिल्कुल गूगल जो है एकदम अवॉइड करता है रैंक करने से। लेकिन अगर बात करें चैट जीपीटी 3 के थ्रू आप ये ब्लॉग लिखवाओगे तो यही सेम प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा चैट जीपीटी वर्क कैसे करता है। तो अगर बात करें चैट जीपीटी की, तो जो जितना हमारा नेट पे डेटा अवेलेबल है, जितना ब्लॉग वगैरह डेटा अवेलेबल है, उन पे ये ट्रेन करा गया है, और जब हम चैट जीपीटी से कुछ पूछते हैं तो उन्हीं का अप्रॉक्सीमेट मिलता जुलता आउटपुट ये हमको देता है, जो एक डुप्लीकेशन ही है, क्योंकि चैट जीपीटी खुद से कुछ नहीं समझता है, वो सिर्फ मैथ लैंग्वेज समझता है। वो यहाँ पे पहले जो आपके वर्ड हैं जो ब्लॉग में आप भाषा यूज कर रहे हो उसको पहले मैथ में कन्वर्ट करता है, फिर आपको आउटपुट देता है, और आउटपुट जो देता है वो भी आउटपुट उस पे जिस पे वो ट्रेन करा गया है प्रीवियस आउटपुट का आउटपुट देता है। तो यहाँ पे डुप्लीकेसी के काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप सोच रहे हो कि अगर आप चैट जीपीटी के थ्रू ब्लॉगिंग करके रुपए अर्न कर सकते हो, तो कर सकते हो, लेकिन अगर आप सोच रहे हो बहुत इजी है तो नहीं कर सकते। तो अगर बात करें क्या चैट जीपीटी से आप ब्लॉग नहीं लिख सकते, हाँ बिल्कुल आप हेल्प ले सकते हो, जैसे कीवर्ड रिसर्च में हो गया, मतलब कैसे कीवर्ड्स डालने हैं, वहां से आप कुछ कंटेंट उठा सकते हो, लेकिन वहां पे आपको काफी ज्यादा मॉडिफिकेशन करने रहेंगे, तब एक आप अच्छा ब्लॉग जो है वो लिख सकते हो और पोस्ट कर सकते हो, जिसके आप जो है समझ लो एसईओ रैंक होने के काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। और ब्लॉगिंग काफी सही कैटेगरी है, तो आप अगर सोच रहे हो इसको स्टार्ट करना, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि इसमें आप पहले थोड़े एफर्ट डालने को ट्राई करो। लाइक आप जब नीचे से कोई चीज धीरे धीरे करके स्टार्ट करते हो तो आपको उसमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मिल जाता है, और यहाँ पे ये चीजें आप आराम से कर लोगे, ये बहुत बड़ी चीजें नहीं है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप शॉर्ट टर्म के लिए किसी चीज को ना करें, क्योंकि चैट जीपीटी वगैरह ये सारे टूल हैं और ये इतने एफिशिएंट नहीं है कि जो आपको एसईओ फ्रेंडली दे दे, क्योंकि चैट जीपीटी खुद से कुछ नहीं समझता। तो मैं आपको यही बोलूंगा, प्रॉपर पहले आप समझो कि कैसे ब्लॉग लिखते हैं, कैसे उनको मॉडिफाई करना है ताकि वो एसईओ फ्रेंडली हो जाए, उसके बाद आप ब्लॉग जो है वो पोस्ट करो। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।